सचिन 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 Oh shit! सर दरअसल हमारी कल ही बात हुई थी मॉर्निंग वॉक पर जाने की। सचिन ने कहा था चाहे जितना भी लेट हो मुझे जरूर उठाना। उसे भी मॉर्निंग वॉक शुरू करना था सर, लेकिन कितने अच्छे से जानते थे तुम सचिन को? यही कोई पिछले 6-7 साल से, जब से हम यहाँ रहने आए हैं। उसकी किसी से दुश्मनी, मतलब झगड़ा या ऐसा कुछ? नहीं सर, नहीं, मैंने तो कभी किसी से कुछ ऐसा सुना नहीं है। वो तो दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स थे सर। इनकी फैमिली में कौन कौन है? एक कजिन भाई, मैंने कॉल किया है सर। ठीक है, तुम अपना स्टेटमेंट दे दो। ओके सर, सर थैंक यू। बॉडीज के शरीर पर किसी भी स्ट्रगल या इंजरीज के निशान नहीं है सर, और किसी भी फोर्स एंट्री के ट्रेसेस भी नहीं है। इस लेडी की जो मौत हुई है वो फांसी लगने से हुई है, जबकि बाकी तीनों को किसी जहर से इंजेक्ट किया गया है या फिर खाने में दिया गया हो। हमें कुछ मेडिसिन के पैकेट्स भी मिले हैं। और हाँ सर, एक और बात, इन तीनों के और इस लेडी के बीच का जो डेथ का टाइम डिफरेंस है वो 2 से 3 घंटे का है। जब स्ट्रगल इंटरनल हो तो कोई भी फोर्स एंट्री की जरूरत नहीं होती। राणे, तुम बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट से ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ओके सर। एक खुशहाल परिवार, अपने करियर में सेटल, सोसाइटी में अच्छी खासी इज्जत, आज तक किसी झगड़े फसाद की कोई शिकायत भी नहीं। लेकिन एक दिन अचानक पूरा का पूरा परिवार एक भयानक हादसे में मारा जाता है। आखिर वो कौन था जिसे इस परिवार की खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई? नमस्कार, मैं हुमान, आप सभी का स्वागत करता हूं क्राइम फाइल्स में। आज हम इस केस के जरिए समाज के उस सच को उजागर करेंगे जिसे पर्दे के पीछे लाखों लोग जीते हैं। नहीं सर, सर मैं मान ही नहीं सकता कि मेरे भैया भाभी ऐसा कुछ कर सकते हैं। देवर लाइक एन आइडियल कपल सर, हमेशा खुश रहते थे। उनके बीच में तो झगड़े भी बहुत कम होते थे सर। इनफैक्ट अभी वो लास्ट वीक ही वेकेशन से आए थे एंड देवर रियली हैप्पी। पता नहीं किसकी नजर लग गई सर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तो यही कह रही हैं कि उन तीनों ने एक मेडिसिन खाई और मिसेस नेहा ने फांसी लगाई। किसी भी आउटसाइडर का कोई भी ट्रेस नहीं मिला है। सो टेक्निकली वी हैव नो ग्राउंड। सर आई एम क्वाइट श्योर सर, इसके पीछे जरूर किसी और का हाथ है, जरूर कोई साजिश है सर। प्लीज सर, प्लीज सर आप पता लगाइए और मेरे भैया भाभी को इंसाफ दिलाइए सर। प्लीज सर, रिलैक्स।
किसी भी फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले देर शुड बी अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, आई डू बिलीव. डोंट वरी, दिस विल बी एन अंडरकवर जॉब. मीडिया को कोई भी खबर नहीं जाएगी. बाकी आपको कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करिएगा. जी सर, थैंक यू. उसके बर्ताव से कभी ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसा कुछ करेंगे. इनफैक्ट लास्ट मंथ उसका प्रमोशन हुआ. कोई पेशेंट से कंप्लेंट नहीं, कोई झगड़ा नहीं. वी आर ऑल शॉक. उनकी कोई पर्सनल बिलोंगिंग जो वो यहाँ हॉस्पिटल में रखते थे? ये आपको रिसेप्शन से मिल जाएगी. Well, Sachin was one of our finest lecturer and he had very good following among the students. क्या उसका किसी से झगड़ा या अनबन? I mean, कोई professional rivalry? Nothing like that. But हाँ, मैंने सुना था, he is drinking too much. But office hours में ऐसा कोई complaint तो नहीं था. बाकी उसके colleagues ही आपको बता पाएंगे. Okay, thank you. सर, दे हैड सम इश्यूज लेटली, बट ऐसा कुछ होगा, इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड. इश्यूज? कैसे इश्यूज? सर, लास्ट मंथ जब मैं लेक्चर से रिटर्न आ रहा था तब मैंने देखा. बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा. क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा उस डॉक्टर के साथ? अच्छा, तो क्यों वो तुम्हें बार बार फोन करता है? अच्छा, मुझे तुमने इतना बेवकूफ समझ कर रखा है क्या? आज उस डॉक्टर को सबक सिखाता हूं मैं. डॉक्टर? कौन डॉक्टर? स्नेहा के हॉस्पिटल में काम करता है? सर, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. बट उसके बाद सचिन काफी लो फील करता था सर, एंड ही बिकेम बिट अल्कोहलिक आल्सो. सर, उस दिन रात को वो दोनों देर रात तक अपनी कार में कुछ बात कर रहे थे. क्या कुछ आवाजें आ रही थी? जी नहीं सर, एक्चुअली गाड़ी के कांच बंद थे. पर हाँ, मैं डेली नाइट वॉक पर निकलता हूँ. इसके पहले उस जगह कभी किसी को देखा नहीं, तो मुझे याद भी रह गया. सर, दोनों की कॉल डिटेल से कुछ फैक्ट्स पता चले जो कि थोड़े अजीब है. सर, ये सचिन जैसा दिखता है ना, वैसा है नहीं. इसके मोबाइल से हमें 3-4 कॉल गर्ल्स के नंबर मिले. जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो पता चला वो अक्सर उसके घर आया जाया करती थी. तब उसके घर पर कोई नहीं होता था और एक नंबर से इसकी रेगुलर बात होती थी. कोई वर्धा की सुप्रिया मूल्य है. और हाँ सर, एक और बात, स्नेहा के सारे कॉल सचिन के नंबर पर डाइवर्टेड थे. डाइवर्टेड थे? इसका मतलब ये सचिन स्नेहा पर जरूरत से ज्यादा शक करता था. उसके हॉस्पिटल में स्नेहा के बारे में कुछ रूमर्स थे? नहीं सर, इनफैक्ट उसका फ्रेंड सर्कल भी काफी छोटा था और कॉल डिटेल्स में ऐसा कुछ पता नहीं चला. पर्दे के पीछे एक दोहरी जिंदगी, फिर भी बीवी पर इतना शक. कोई ठोस वजह जरूर होगी. तुम एक काम करो, इस सुप्रिया मुले का पता लगाओ और उसे एक रूटीन इंट्रोगेशन के लिए बुला लो. ओके सर. अब तक की इन्वेस्टिगेशन से एक बात साफ हो चुकी थी कि सोसाइटी के परे भी सचिन की एक अलग जिंदगी थी जिसके बारे में शायद कोई नहीं जानता था. पर क्या इसके कारण स्नेहा का किसी और से अफेयर था या कोई और था जो इस राज पर और भी रोशनी डाल सकता था? हेलो
सब हॉस्पिटल से योगेश बात कर रहा हूँ। सब कौन योगेश? सब आपको कुछ बताना था। सब व्हाट डू यू मीन? मैं स्नेहा और सचिन को क्यों मारूंगा? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? चिल्लाइए मत डॉक्टर साहब, हमें सब पता है आपके और सचिन के झगड़े के बारे में। देखिए ऑफिसर, आई एग्री कि मेरा सचिन के साथ झगड़ा हुआ था, बट दैट वॉज टोटली आउट ऑफ सिचुएशन। दरअसल एक दिन मैंने स्नेहा को कुछ काम से फोन किया था और वो फोन सचिन ने उठाया और फोन पर एक गंदी गंदी गाली देने लगा, और तो और उसी शाम को वो मेरे ऑफिस आया। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे अंदर कैसे आए? जब तू मेरी जिंदगी में डायरेक्ट घुस गया तो किसी को पूछा? व्हाट नॉनसेंस! क्या चल रहा है तेरा स्नेहा के साथ? कब से चल रहा है तुम्हारा ये चक्कर? डॉक्टर है, ऐसी कंप्लेंट करूंगा पूरा करियर चौपट कर दूंगा मैं तेरा। क्या हमारा ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, आपको बहुत बड़ी गलत संभाल ले अपने आप को, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मुझे बहुत गुस्सा आया था, लेकिन स्नेहा का चेहरा देखने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। तो पहले आपने ये बात क्यों नहीं बताई? दरअसल स्नेहा एक बहुत शरीफ और नेकदिल औरत थी। सचिन से मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि स्नेहा किस तरह से गुजरी होगी, और उसके बाद ये इंसिडेंट, इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। हाँ तो सुप्रिया, कब से जानती थी तुम सचिन को? सर हम सेमिनार में मिले थे, तभी से थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, जस्ट कैजुअल फ्रेंड्स। थोड़ी बहुत? क्या ऐसी चैट्स तुम सभी कैजुअल फ्रेंड्स से करती हो? जो भी हुआ सच सच बताओ। सर वो हमारा अफेयर था पिछले 2 सालों से। तुम अच्छी तरीके से जानती थी कि सचिन शादीशुदा था? सर उसी ने इनिशिएट किया था, और मुझे जब ये सब बातें पता चली तब हमारा झगड़ा भी हुआ था, लेकिन फिर भी एग्रीड कि हमारे रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं होगा, और वैसे भी वो अपनी वाइफ से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहता था। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह? सर वो कह रहा था कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर है। क्या तुमने उसके बिहेवियर में कोई चेंज देखा पिछले कुछ दिनों में? सर कुछ खास तो नहीं, लेकिन हाँ लास्ट में हम जब भी मिलते थे ना, वो हमेशा शराब पिए हुए रहता था, इनफैक्ट दिन में भी। अरे कितना पियोगे, घर नहीं जाना है क्या? घर क्या करूंगा उस घर में जाकर, दम घुटता है मेरा उस घर में। जब भी मैं उस औरत के साथ में रहता हूँ ऐसा लगता है जैसे किसी जेल में कैद हो गया हूँ। वो जैसे भी हो, लेकिन कम से कम अपने बच्चों के बारे में तो सोचो, उनके लिए भी तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वैसे भी हमें अभी रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। नहीं सुप्रिया, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। मुझे छोड़ के मत जाओ सुप्रिया, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। वो काफी लो फील करता था और एकदम से नॉर्मल भी हो जाता था। आई नेवर थॉट कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। क्राइम करने से पहले हर आदमी कोई तो इंडिकेशन देता है। राणे तुम एक बार फिर स्नेहा के हॉस्पिटल स्टाफ से बात करो और पता लगाओ कि पिछले कुछ महीने में स्नेहा की मेंटल कंडीशन कैसी थी। और हाँ, वो जो डायरी हमें उसके हॉस्पिटल बिलोंगिंग से मिली है उसे जल्दी भिजवाओ। वो तो बहुत ही नॉर्मल रहा करती थी, थोड़ा गुमसुम रहती थी, बट उसके काम पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा। उनका किसी के साथ कोई अफेयर? नो आइडिया। आज मिस्टर मेहत्रे की पार्टी के बाद सचिन ने कुछ अजीब ही बर्ताव किया। आज पार्टी बहुत अच्छी थी ना? हाँ पार्टी अच्छी थी, और तुम्हें कॉम्प्लीमेंट भी तो बहुत मिले।
वो सौरभ कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा था तुम्हारी? तुम भी ना, उसकी तो आदत ही है मजाक करने की। और तुम्हें भी तो अच्छा लगता है ना कि कोई गैर मर्द तुम्हारे साथ में फ्लर्ट करे। सचिन क्या बकवास कर रहे हो तुम? Have you gone mad? इसके बाद अगर कहीं घर से बाहर बन ठन कर गई तो तेरा बाहर निकलना बंद कर दूंगा। सचिन ये वो सचिन नहीं है जिससे मैंने शादी की थी, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है उसका ये एटीट्यूड। ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के कहीं दूर चली जाऊं, पर अपने बच्चों का ख्याल आता है। वैसे कुछ खास नहीं सर, आई मीन एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। मगर सर एक बार जब मैं अचानक भैया के घर पहुंचा तब मैंने देखा। भैया, भाभी, रानी, शुभम, आ चले गए सब लोग। भाभी, 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 क्या हुआ आपको और आप यहाँ ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? तू कब आया रितेश? मैं तो अभी आया भाभी, मगर भैया और बच्चे कहाँ हैं? वो रानी और शुभम है ना, ट्यूशन गए हैं, और भैया तो अभी ऑफिस से ही आने के। तो एक काम कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ठीक है भाभी। बस सर यही बात थी जो मुझे थोड़ी सी खटकी, मगर इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया सर। इसके बाद हम लोग कई बार मिले मगर ऐसा कुछ लगा नहीं, एंड इन फैक्ट उसके बाद वो लोग वेकेशन पर चले गए। हमारा ये 11 साल का रिश्ता अब उस मोड़ पे आ गया है जहां उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सचिन को और ना मुझे। सर स्नेहा के बारे में कुछ भी नहीं मिला, वैसे भी वो काफ़ी रिजर्व रहती थी। सचिन के साथ उसके प्रॉब्लम्स थी क्योंकि वो अल्कोहलिक था और डिस्टर्ब भी था आखिरी में। स्नेहा की डायरी से भी यही लगता है कि वो उसके इस बिहेवियर से डिप्रेस थी, पर ऐसा कोई स्टेप लेगी इसका कोई इंडिकेशन नहीं है। राणे तुम एक काम करो, इस केस पर कोई भी फाइनल कंक्लूजन के पहले एक बार वापस चेक करो। हो सकता है कि जो भी एविडेंसेस और सस्पेक्ट से हमने बात की कोई राज वहीं जुड़ा है। वो आदमी क्या कह रहा था कि एक रात पहले सचिन और स्नेहा को बात करते हुए देखा था कार में, और उसी दिन सुबह ये घटना घटी। वो क्राइम सीन पर एक मेडिसिन मिला था, क्या नाम है उसका, सुकोन, वो कहाँ से परचेस हुआ था कुछ पता चला? नहीं सर, उसकी ट्रेसिंग भी होने की है। हमने हॉस्पिटल के बाकी फार्मासिस्ट से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो डब्बा बाहर का है, उन्होंने बोला और हमने मान लिया। अपने एंड से पता करो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन मरने वालों को इंसाफ दिलाने के लिए कर रही थी, इसलिए पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने किसी भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। आखिर वो कौन था जिसने रातों रात पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया? आखिर क्या था इस हत्या या आत्महत्या के पीछे का कारण? सर सुकोन के डिस्ट्रीब्यूटर से पता चला है कि वो पैकेट उसी हॉस्पिटल का था जहां स्नेहा काम करती थी। पर सर कमाल की बात यह है कि जब हमने वहां का डेटा ट्रैक किया तब हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। इसका मतलब वो फार्मासिस्ट हमसे झूठ बोल रहा है। यस सर। उठाओ उसे। ओके सर। देख योगेश, अब अगर और चुप रहा तो तेरी कोई ना कोई हड्डी जरूर टूटेगी। चुपचाप बता तूने ये मर्डर्स क्यों किए और कैसे किए? नहीं साहब, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। दरअसल ये सब मैंने अपनी नौकरी बचाने के लिए किया साहब। तेरी नौकरी और इन मर्डर्स का क्या संबंध? साफ साफ बोल। साहब
कभी कभी मैं हॉस्पिटल की दवाइयाँ प्राइवेट में बेच देता था साहब, पर दो महीने पहले ही डॉक्टर मेहता ने मेरी चोरी पकड़ ली साहब, और सबके सामने बहुत गालियाँ दी साहब, बहुत गालियाँ दी साहब। तब से साहब मैंने ये सब कुछ बंद कर दिया था साहब, पर साहब मुझे मेहता से मेरा बदला लेना था साहब। और इसीलिए तूने स्नेहा की पूरी फैमिली को मार दिया? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब। मैं साहब चोरी कर सकता हूँ, पर मेरी भी तो फैमिली है साहब। पर साहब उस सुबह मुझसे एक गलती हुई है साहब, मैं डर गया था साहब कि मेरी नौकरी ना चली जाए साहब। गलती? कौन सी गलती? अबे कौन सी गलती साहब? जिस दिन स्नेहा मैडम ने सुसाइड किया साहब, उस सुबह हॉस्पिटल आई थी मैं। योगेश। अरे स्नेहा मैडम, आप और वो भी इतनी सुबह? हाँ एक्चुअली मेरे यहाँ का कुत्ता है ना स्टफी, उसने रात भर नहीं सोने दिया। ही इज कंटिन्यूसली बार्किंग, और मेरे बच्चे भी रात भर नहीं सोए। तू एक काम करना, मुझे सुकॉन की बॉटल देना। पर उसके लिए तो प्रिस्क्रिप्शन लगेगी मैडम, ऐसे तो नहीं दे सकता। अरे मैं जानती हूँ, रुक। ये रख। और देख हम बिल मत बनाना। पर मैडम मैं दे तो देता, थोड़ा ख्याल रखिएगा, डॉक्टर मेहता ने मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दी है। अरे तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। ये लीजिए मैडम। चल मैं निकलती हूँ, बाय। दूसरे दिन खबर सुनते ही मैं डर गया साहब। मेहता साहब ने मुझे बुला कर पूछा भी, फिर भी मैंने इनकार कर दिया साहब, ये बॉटल अपने हॉस्पिटल की नहीं है साहब। योगेश सच बोल रहे हैं, स्नेहा ने अपने पति और बच्चों को वो इंजेक्शन दिया था और 3 घंटे बाद खुद फांसी लगा ली। सर 3 घंटे तक उसने क्या किया होगा? शायद पछताया होगा अपने इस गैर जिम्मेदाराना डिसीजन के लिए, और फिर खुद अपने आप को सजा दे दी। खैर उस रात उनकी क्या बात हुई ये एक पहेली बनकर रहेगी। तुम उनके घर वालों और प्रेस को इन्फॉर्म कर दो। ओके ओके सर। अरे वाह, रानी का पर्स तो बड़ा ही प्यारा है। थैंक यू चाचू। रानी भी तो प्यारी बच्ची है मेरी। अरे क्या हुआ तुम्हारा गोवा का? गोवा का प्लान तो लगभग फाइनल है भैया, बस पापा आपकी परमिशन का इंतजार कर रहे थे। शुभम देखो तुम्हारे चाचू गोवा में ना मस्ती करने की बात कर रहे और पढ़ाई का नाम बता रहे हैं। क्यों भोले बन रहे हो? तुम भी तो हर 6 महीने बाद मुझसे थाईलैंड जाने के लिए परमिशन मांगते हो ना। अरे भाई वो तो काम के सिलसिले में, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का ये मतलब है हाँ? कि पूरी खानदान एक जैसी है। अरे तो तुम भी तो इसी खानदान का हिस्सा हो। तुम भी ना। सचिन के इस बेबुनियाद शक का कारण उसकी मानसिक स्थिति थी। स्नेहा उसके द्वारा होने वाले लगातार टॉर्चर से परेशान थी। पुलिस की पूछताछ से पता चला है कि स्नेहा ने एक बार ये बात अपने घर वालों से शेयर की थी, लेकिन उनमें से ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया कि स्नेहा की ये अंदर की तकलीफ उसे एक हत्यारा बना देगी। इस पूरे केस में जो सबसे ज्यादा बेकसूर थे वो थे दोनों बच्चे, जिन्हें अपने माँ बाप के गलत कदम की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी।
अगर कोई भी स्नेहा से बात करने की पहल करता तो शायद ये चारों जाने बच सकती थी। हमें जरूरत है हमारी प्रॉब्लम को खुल के शेयर करने की, बात करने की, हमारी समस्याओं का प्रैक्टिकल सोल्यूशन जानने की। अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति को देखे तो उससे बात करें, उसके गम को जानने की कोशिश करें, ताकि कोई भी स्नेहा, सचिन और उनके बच्चों की तरह गुमनाम मौत ना मरे।